ओके okay, तो अब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे तफसीला हमने जान लिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है किस तरह से वर्क करता है बेसिक ऑफ एस नोटेशंस क्या है वो सारी चीज़ें हम जान चुके हैं लेकिन एक दफ़ा फिर मैं रिमाइंड कराता चलो कि तमाम रिलेटेड वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है फादुर सान सी सर्च करने के बाद आप चैनल पर आते हैं इसके प्ले पर जाकर आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं जबकि तमाम मटीरियल मेरे ब्लॉग फातुसैन सी एस ब्लॉग ब्लॉग पर है जहाँ से तमाम मटीरल को फ्री डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है तो बार बार लोग कमेंट्स करके मुझसे मटेरियल्स के हवाले से या प्लेलिस्ट के हाले से पूछ रहे होते हैं और मैं ये बार बार वीडियोस पर रिमाइंड कराता हूँ यही वजह कि अगर आप चीज चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे तो तमाम चीज़ों का आपको पता होगा वो फॉलो उसी वक्त हो सकेगा जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो वा वट आर यू वेटिंग फॉर सब्सक्राइब करें फॉलो करें ताकि इस तरह की चीज़ें आपको बर्वत मिलती रहेंगी और आप आसानी से इन प्रॉब्लम से बचे रहेंगे और चीज़ें आप सीखते रहें ठीक है बैक टू सो सेकेंड जो इफिशंसी चैकिंग ऑफ दलगोर्थम्स का तरीका है दैट इज टू बी आर स्पेस जिसके लिए हम उस अल्गोर्थन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देख रहे होते हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यह है जिस तरह हमने स्टार्टिंग पार्ट में इस वीडियो की जाना था कि एक्चुअली जब हम ए, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं हमने पहले तरीके में देखा जब हम डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड कर रहे थे तो एक ऐसे अप्रोच जिसमें टाइम बहुत लग रहा था ठीक है और जब हम सेकंड अप्रोच की तरफ जाते तो वहां एक एक्स्ट्रा स्पेस की वैल्यूज रिक्वायर्ड थी या एरे रिक्वायर्ड था जहां पर हम वैल्यूज को सेव करते थे डुप्लीकेट को और इंडिकेट करके बता सकते थे कि कौन सी वैल्यूज यहाँ पर रिपीट हुई है अब जब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो हमें कुछ डिसाइड uh, करना होगा चीज़ों को कि एक्चुअली हम स्पेस कंसिडर uh, किस तरह से कर रहे होंगे ठीक है फॉर एनी अलगोर्थम मेमरी मे बी यूज इन इन द फॉलोइंग स्टेप्स ठीक है मेमोरी के जो इस्तेमाल हैं अलगोरथम uh, के लिए वो इन तीन चीज़ों पर बेस करेगी यानी या तो आपने अपने, -अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स इस्तेमाल किया होगा ठीक है दिस इंक्लूड द कास्ट एंड वैल्यूज टेम्परेरी वैल्यूज सेकेंड वन प्रोग्राम्स के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन मौजूद होंगे जैसे प्रिंट में आप लेते हो इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते कि हो किस तरह से चलाना है और कुछ चीज़ों को या कोड को आप एग्जीक्यूशंस लेवल पर दिखा रहे हो या एग्जीक्यूट करवा रहे हो ठीक है इन तीन जगहों पर हम अपने मेमरी को यूज़ कर रहे हैं So, the space complexity is the amount of the memory used by the algorithm. That's a very important term, including the input values and uh, input values to the algorithm to execute and produce the result. Some auxiliary space, that's a very important thing. Okay. Okay. And this is the thing I started to that when space complexity is the same, auxiliary space concept. Okay. confused with the space complexity. This confusion देता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ये दोनों चीजें हैं ठीक है इसको आसान लफ्जों में समझने का तरीका ये कि जब आपने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें आपने एक एरे ली ठीक है और उस एरे का साइज फॉर एग्जाम्पल टेन ठीक है और उस टेन साइज के एरे को आप किसी भी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं इधर वो सर्चिंग के लिए हो ठीक है सॉर्टिंग के लिए हो लेकिन जब आप इस एरे को सर्च या सॉर्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने उस सर्चिंग या सॉर्टिंग के लिए एक और एरे यूज किया जिसको आप टेम्परेरी बेस यूज करेंगे ठीक है और टेम्प्रेरी बेस यूज करने का परपज ये आप अपने रिक्वायर्ड आउटपुट को हासिल करना चाहते हैं अब ये जो स्पेस है जो इस एरे का है एक्चुअली ये स्पेस इस प्रोग्राम के लिए ऑक्सिलरी स्पेस कहलाएगा रिमेंबर और जब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी तो ये स्पेस भी पार्ट होगा आपके ऑल्गौरथम का और ये स्पेस भी आपके अलगोरथम का पार्ट होगा और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक्चुअल में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा होप यू अंडरस्टैंड बट ऑक्सिलरी स्पेस इज द एक्स्ट्रा स्पेस एज वी हैव सीन द टेम्परेरी स्पेस यूज बाय दल गिंग इट्स एग्जीक्यूशन एंड वट इज द एक्शन हम ये जान चुके हैं थर्ड स्टेप में ठीक है यानी जो प्रोसेस आप चला रहे हो और एग्जीक्यूशन में उस चीज का सोल्यूशन आपको मिल रहा है ये चीज भी मेमोरी ले रही होती है ठीक है यानी स्पेस तो जब भी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे या हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो उसका मतलब ये हुआ वो इनपुट स्पेस जो एक्चुअल में आपका प्रोग्राम ले रहा है वो और जो आपने टेम्परेरी बेस पे यूज किया अगर आप कोई प्रोग्राम में टेम्परेरी नहीं ले रहे

रिक्वायर्ड uh, हो रही है या पार्ट uh, जितने मेमोरी पार्ट्स उस में यूटिलाइज हो रहे हैं दैट इज सेड टू बी ए स्पेस पास ऑफ योर अलग सो द टर्म मेमोरी लीक ठीक है द टर्म मेमोरी लीक रेफर टू द अमाउंट ऑफ द मेमोरी रिक्वायर्ड इज लार्जर देन द मेमोरी अवेलेबल ऑन द गिवन बाय द सिस्टम दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एज वेल यानी मेमोरी लीकेज या मेमोरी लीक्स का कॉन्सेप्ट उस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट में जब आपके पास मेमोरी स्पेस फॉर एग्जांपल 100 एमबी है ठीक है और आपकी रिक्वायरमेंट है 102 MP. तो इस वक्त आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल साइज से ज्यादा है लिहाजा मैं कह सकता हूं कि यहां पर मेमोरी लीकेज इंडिकेट कर रही है ठीक तो ये किस वक्त होगी जब हम एक ऐसे प्रॉब्लम को या एक ऐसे यातम को अपने प्रोग्राम में लाना चाह रहे हैं यूटिलाइज करना चाह रहे हैं जो ज्यादा स्पेस ले रहा है हमारे अवेलेबल अमाउंट से तो अब इन चीजों से या इस डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई करते वक्त हमारे अलगोरथम का ऑप्टिमाइज होना जरूरी है ठीक है बेस्ड ऑन द अवेलेबल साइज ऑफ द मेमोरी तो अब जब हम प्रोग्राम के अवेलेबल साइज ऑफ मेमोरी को काउंट कर रहे होंगे तो उसका मैथड भी हमें आना चाहिए विच मीन जब हम अलगोरथम लिखने के बाद उसके स्पेस देख रहे होंगे तो कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे जिनके साइज फिक्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल हम टू बाइट्स इंटीजर को ले सकते हैं बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपायलर टू बाइट का भी हो सकता है फोर का भी हो सकता है लेकिन ये फिक्स है फ्लोट का साइज भी फिक्स है डबल का साइज भी फिक्स है बट अबाउट द वेरिएबल पार्ट

एस्ट इंस्टेंट कर जो इंस्टेंस करेक्टरिस्टिक्स uh, हमारे पास आ रहे होंगे uh, यानी मैं कह सकता हूँ कि वेरिएबल पार्ट्स ठीक है जिसके साइज पर आप श्योर sure नहीं हो तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला ऑफ एस तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मुझे दोनों पार्ट्स का पता चल जाए फिक्स और वेरिएबल पार्ट का तो इन दोनों को ऐड करके इन दोनों को ऐड करके मैं अपने प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता सकता हूँ ठीक है तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है और या बेसिक एक्जाम्पल है जिसमें ये चीज़ इंडिकेट होती है यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास फ़िक्स साइज़ की क्वान्टिटी ज़्यादा है वी आर श्योर अबाउट द साइज़ ऑफ द इंटीजर एक्स वाई एंड जेड ठीक है और थर्ड वेरिएबल हमने यहाँ पर आर ले लिया ठीक है इनके ऑपरेशन भी सेम इंडिकेट होंगे और उस इन तमाम साइज़ का जो समप होगा ठीक है वो हमारे पास टोटल क्या बन जाएगा भाई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा तो बेस्ड ऑन द साइज अगर हम इसे कंसीडर करें तो इस वक्त इस क्योंकि ये तो पैरामीटर्स हैं तो फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो उनकी वैल्यू पास होगी अगर हम एक्स वाई जेड को देखें तो ये तीन वेरिएबल्स हो गए ठीक है और अगर मैं टू बाइट्स के रिस्पेक्ट से ले रहा हूं आप चाहे तो चार चार बाइट्स के रिस्पेक्ट से भी ले लेते हैं अब ले सकते हैं और ये एक है तो चार वेरिएबल्स हो गए तो फोर मल्टीप्लाई बाय टू दैटवीन एट साइज ये हो गया अब उसी आर को दोबारा रिटर्न भी करवाया जा रहा है मेमरी के रिस्पेक्ट से मेमरी में यूज करते राइट तो 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 uh, तो हमने ले लिया तो टोटल इसका साइज हो गया टेन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला इस वक्त हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जितने ट्रम्स थे उनकी टोटल क्वांटिटी जो भी थी वो पे पिलाई करती थी जिसका साइज क्या है एस क्या इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसे साइज हैं जो वेरिएट करता हो यानी जिसपे हम साइज पर फ्री श्योर ना हो ठीक है डायनेमिक हो या एन टाइप हो बिल्कुल ऐसा नहीं है तो मैं इसकी जगह जीरो लिख सकता हूँ विच मीन इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या the next time, uh, the next example आ गई टेन आर गई अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टाइम द नेक्स्ट एग्जाम्पल आर दर बेस्ड ऑन द एन अब हम इसकी एग्जाम्पल तो करते हैं लेकिन हम प्रीवियस वाली चीज़ें भी कॉल करेंगे वी आर श्योर अबाउट दैट कि जब हमारे पास टेन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आया तो अगर मैं वर्स्ट कंडीशन पी लूँ तो इससे मैं बिग ओ ऑफ टेन लिख सकता हूँ और बिग ओ ऑफ टेन लिखने का मतलब इक्वलेंट ये है कि ये कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो जीरो ऑफ़ वन भी लिखा जा सकता है ठीक है क्योंकि हम हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी को स्टेप्स से या उसके ऑपरेशन के साइज से इंडिकेट कर ठीक है स्पेस हो या फिर वो टाइम लेकिन जैसे जैसे नंबर्स फिक्स होते हैं तो वी आर श्योर अबाउट दैट कि कितने मेमोरी ये रिजर्व करेगा लेकिन जैसे ही डायनेमिक साइज आएगा तो वहाँ पर हम श्योर नहीं हों ठीक है और जब वहाँ श्योर नहीं होंगे वहां पर हम एन लिख रहे होंगे तो हम ये भी जानते हैं एस एम टोटिक के रिस्पेक्ट से कि हम हाइयर ऑर्डर को ले रहे होते हैं तो कॉस्टेंट वैल्यूज खुद इग्नोर हो जाएगी लेट्स सी दिस एग्जाम को एरे है एज अ पैरामीटर और इंटीजर वैल्यूज है तो सबसे पहले हमारे पास एक, एक इंटीजर आ गया ठीक है uh, यहाँ पर फोर बाइट लिखा गया है आपकी मर्जी है चला मैं यहाँ पे इसे टू ही कर देता हूँ फिर एक और वेरिएबल लिया गया आई जिसका टू साइज है और जो वेरिएबल है यहाँ पर एन ठीक है वो इंटीजर टाइप का है लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी वी आर नॉट श्योर जब मैम श्योर नहीं है तो उसका मतलब ये इंस्टेंस टाइप की तरफ ठीक है हमने एक वेरिएबल एक्स लिया हुआ था ठीक है फिर उसमें हम हर एक इंटीजर एरे की वैल्यूज को ले रहे हैं जो कि एन एलिमेंट्स को इंडिकेट करेगा ठीक है और क्योंकि ये एक सिंपल स्टेप से तो इसमें मेमोरी रिजर्व हो रही होगी और जब ये रिटर्न कर रहा है तो ये एक और एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है तो उसका मतलब इसका एक्स्ट्रा और साइज हो गया तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इन तीनों वेरिएबल्स को देखूं एक्स आए और रिटर्न ऑफ आय तो टू टू के रिस्पेक्ट से ये सिक्स साइज हो गया ठीक है क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसे वेरिएबल नहीं है जो एक दफा डिफाइन ना किया गया हो ए ऑफ आई जो है वो एरे जिसका साइज एन तो उसे एन पे कंसिडर कर चुका तो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त सी जो है वो है है जबकि वेरिएबल जो वेरी कर रहा वो हमारे पास एन एक तो सिक्स ऑफ एन लिखा जा सकता है इसे तो मैं लिख सकता हूँ बिगो ऑफ सिक्स ए कॉन्स्टर्न वैल्यूज को मैं इग्नोर करूंगा या कोफिशन के साथ जो है और उसकी जगह पर मैं सिर्फ एन लिखूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि इस अलगोर्थन की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ एन यूनवर्स कंडीशन यानी एन स्पेस वो मेमोरी का रिजर्व कर सकता है ओकोबाइट कर सकता है टू रन दिस होल चंक ऑफ दर्ट होप यून अंडरस्टैंड कुछ डिफरेंट एग्जांपल हम टाइम पे भी देख चुके हैं और हमने कुछ स्पेस लिया द नेक्स्ट वन अनादर एग्जाम्पल ठीक है one, example, आ, ये अनदर एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो सेम साइज है साइज ले लूंगा यहाँ पर मैं एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ उस पर हम स्पेक साइज दे देंगे और स्पेक साइज दे ले देंगे लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट द एन साइज ऑफ द एरे एलिमेंट तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज कुछ भी हो सकती है जो हम यहाँ पर साइज मौजूद है वही ले लेंगे ले। लेकिन जो इंस्टेंस पार्ट है वो एन का बन रहा है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ये भी एन पार्ट ऑफ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा जब यह एग्जीक्यूट हो रहा होगा क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट द साइज ऑफ द एन राइट सो so, रिकॉल uh, कर लेते हैंज इन टोटिक न्यूटेशन को वैसे तो हम प्रीवियस uh, स्लाइड्स में जान चुके हैं वीडियोज ऑल लॉन्ग ज़रूर हो रही है लेकिन हम इसके ज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं इधर आप डेटा स्ट्रक्चर में इसको रिकॉल करें एड एनालिसिस के अंदर ए आई के किसी भी कोर्स में करें तो ये आइडिया आपको हमेशा ऑप्टिमाइज मैनर पर आपको कोड लिखने का आइडिया देगा और समझने का आइडिया देगा तो एज इन टोटिक न्योटेशन एज वी नो आर द लैंग्वेजेज़ दैट अलाउ अस टू एनालाइज एन अलगोर्थम रनिंग टाइम

कंपेयर कर रहे होते हैं कि विच वन इज़ अ बेटर तो इन थ्री एजन टोटिक नोटेशन को ब्रॉडली इस्तेमाल किया जाता है वैसे तो फाइव है लेकिन नॉर्मली हम थ्री को कंसिडर कर रहे होते हैं और जहां पर ग्रेटर देन और लेस देन साइन होता है अगर मैं उसे हटा दूँ तो बिग ओ से स्मॉल ओमेगा बन जाता है ओ सॉरी स्मॉल ओ बन जाता है और ओमेगा जो है वो स्मॉल ओमेगा बन जाता है ठीक है कैसे वो अभी हमें शो करता तो एजेंटोटिक अपर बाउंड शो करने के लिए जिसको हम वर्स कंडीशन कहते हैं उसे बिग ओ से इंडिकेट किया जाता है दैट शोज ऑन यूजिंग अ मैक्सिमम टाइम वर्ड्स कंडीशन मैक्सिमम टाइम बता रहा होता है और दो फंक्शन के कम्पेरिजन में एफ ओ फैन या तो लेस दे बराबर हो सकता है लेकिन उस इस फंक्शन से एफ ओ फैन कभी भी आगे नहीं जा सकता ठीक uh, है नेक्स्ट ओमेगा जो बेस्ट कंडीशन बताता है बेस्ट कंडीशन का मतलब ये कि किसी है किसी नंबर को आप सर्च कर रहे थे पहले ही एलिमेंट तो वो आपको मिल गया तो बेस्ट वर्ड का मतलब है कि वो लास्ट में मिले ओमेगा से इंडिकेट करते हैं इसमें फंक्शन की वैल्यू ज्यादा हो सकती है इक्वल हो सकती है लेकिन जीओ फैन से कभी भी लेस देन नहीं हो सकती क्योंकि पहली कंडीशन में आपको राइट right आंसर मिलता है थीटा एवरेज केस है यानी बेस्ट और वर्ष के दरमियान में इसमें दोनों फंक्शन एग्जैक्टली इक्वल आ सकते हैं ठीक है यानी मिड पे रहते हैं उन दोनों फंक्शन के ये सारी चीजें अभी हम प्रीवियस स्लाइड पे भी जान चुके हैं लेकिन मैं टाइम के लिए सिर्फ और सेवन को रिपीट कर रहा करूँ फिर अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास आ, कोई फंक्शंस बन रहे होते हैं के टाइप में तो हम वहाँ पर हायर ऑर्डर को और कॉन्स्टर्ट को इग्नोर कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी फंक्शन का आ, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस तरह से इंडिकेट होता है ठीक है यानी उसमें कॉन्स्टेंट ट्रम्प भी है और उसमें वेरिएबल ट्रम्प भी है तो इस तरह से होगा जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें इग्नोर करके डायरेक्टली लिख दी थी बिग ऑफ यहाँ पर मैंने सिक्स के साथ एन लिख कर दिखाया था तो अगर ये इस तरह कहें तो जो दूसरा फंक्शन है यानी कोई दूसरा अलगौरथम है तो उसका ये फंक्शन ये हो फॉर एग्जाम्पल पहला फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है दोनों अलगौरथम सेम ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो जैसे जैसे मैं इनपुट साइज बता बढ़ा रहा हूँ फंक्शन की ग्रोथ बढ़ रही लेकिन ये वो पॉइंट है जिसके बाद मैं देखता हूं कि हमारे पास जो ऑरेंज वाला है यानी ये जो फंक्शन था इसकी ग्रोथ ज्यादा है और इसकी ग्रोथ कम है यानी ये दोनों फंक्शन कभी नहीं मैच मिल सकते तो बेस्ड ऑन दिस ग्रोथ वी कैन प्रिफर विच वन विच अलगोर्थम इज बेस्ट बेस्ड ऑन आवर प्रॉब्लम ठीक है तो इसी तरह से कंपेरिजन होती है नंबर ऑफ स्टेप्स के जरिए से ये वो स्पेस कितना ले रहा है या वो टाइम कितना ले रहा है अब जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया था कि पांच तरह के फंक्शंस होते हैं थ्री uh, जो है वो ब्रॉडली uh, मेजर है और उसमें से इक्वल साइन और uh, हटा दिया जाए ग्रेटर देन के साथ और लेस देन के साथ जो मौजूद है तो वो स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा बन जाता है ठीक है तो जब इन फंक्शंस को कंपेयर किया जा रहा होता है तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं फंक्शंस की जो अलगोर्थम्स के अंदर नॉर्मली देखने को कॉमन रहती है ठीक है अगर ग्राफिकली इनको समझें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इस फंक्शन में है ठीक है बिगो ऑफ वर्थ और ये बिल्कुल देखें एक्स एक्सेस पे बिल्कुल लाइन पर मौजूद फिर इससे थोड़ा सा ऊपर जो है वो लॉग एन का फंक्शन होता है यानी ग्रोथ पे थोड़ा सा हाईयर होता है लॉग एन एन से ऊपर सिंपल लीनियर फंक्शन जिसको हम ओ ऑफ एन कह रहे हैं वो होता है फिर मजीद ये ग्रोथ करता है फंक्शन तो ये एक फंक्शन बनता है जिसे हम कहते हैं एन लॉग है फिर अगर ये फंक्शन मजीद ग्रोथ करे तो ये एन स्क्वायर बन जाता है यानी कॉर्डेटिक फंक्शन बन जाता है फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है और फिर ये फैक्टोरियल बन जाता है तो ये जो टाइप ऑफ दी फंक्शन है एक्चुअली ये ग्रोथ बता रही है बेस्ड ऑन द टाइप कि किस तरह की अलगोर्थम्स है आपके पास और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की ग्रोथ कैसे है? और कलर्स ऑर्डर में देखें तो जो बिल्कुल नीचे है वो गुड है यानी ये कंडीशन हमारे पास गुड ठीक है जबकि इससे जो है इस कलर को अगर आप देखें ये जो पार्ट है हमारे पास दो तरह के इस पे ग्रीन जो है वो दो टाइप के एक डार्कर है और एक लाइटर है ठीक है तो अगर मैं नीचे वाले को देखू तो ये डार्कर पार्ट है तो मैं इसको एक्सलेंट कह सकता हूं और ये जो पार्ट है ये गुड है थीके? उसके बाद ये हम तो बैड एरिया कह रहे हैं ठीक है थीके? इसमें हमारी ग्रोथ ज्यादा हो रही है ठीक है और फिर उसके बाद तो हर्बल टाइप है और इसका मतलब ये कि ये पार्ट जो है इस तरह के जितने कलर्स का है वो ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है या हमारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए बहुत ही मुश्किल ठीक है क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन जब मुश्किल होगी आपके लिए अलगोर्थम के लिए तो जैसे जैसे आप इनपुट साइज़ को बढ़ाते रहेंगे उसकी ग्रोथ बढ़ रही और ग्रोथ बढ़ने का मतलब ये है ये ग्रोथ बढ़ने का मतलब ये है कि एक्चुअली आप ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं एक्चुअली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने जैसे जैसे इनपुट साइज़ आप बढ़ा रहे हो आपका स्पेस भी बढ़ता जाए तो क्यों ना हम इसको कम करें और कम करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स को या मेमोरी को यूटिलाइज करना होगा इफिशियंट मैनर पे कि हम किस तरह से कोड रखें लिखें लाइंस ऑफ कोड को ताकि वो कम से कम स्पेस ले और प्रॉब्लम को ऑप्टिमल वे से सॉल्व करें द लास्ट वन हमने सबसे पहले बिग ओ फंक्शन देखा नोटेशन में जो बिग ओ ऑफ फंक्शन ये जी ऑफ एंड जो है वो हमारा एक्चुअल फंक्शन है जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें एफ जो है वो लेस देन इक्वल होता है जी के फिर आ, हमारे पास ओमेगा था ओमेगा में एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जी होता है इस तरह से लिखा जाता है फिर थीटा था ये एफ और जी बराबर होते हैं फिर मैंने अभी बताया था कि स्मॉल ओ होता है और उसके बाद स्मॉल जो है ओमेगा होता है जिसमें सिर्फ इक्वल साइन हट जाता है अगर आप बौर देखें यहाँ पर इससे और इसको इस देखें तो ये जो है वो इससे मैच हो रहा है और ये इससे मैच हो रहा है ठीक है सिर्फ इक्वल साइन हटा दिया गया बाकी फंक्शनलिटीज लिखने का तरीका बिल्कुल सेम तो होप यूल अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी अग्गोर्थम्स और साथ ही साथ फिर हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी देख दिया वीडियो लॉन्ग जरूर हुई लेकिन हमने एवरी एस्पेक्ट्स को जानने की मुमकिन कोशिश की कि किस तरह से किसी भी अगौरथम की टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड किया जाता है इससे क्या फ़ायदा होता है और जब भी हम इन फ्यूचर किसी भी अलगारथम्स की वर्स कंडीशन पर जब मैं आ, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिख रहा हूँ तो हमें यह देखते ही आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली इस अलगोरथम की वर्स कंडीशन पर बात हो रही है कि अगर वर्स पार्ट में इस अलगोर्थन को चेक किया जाएगा इनपुट पे तो ये किस तरह की फंक्शन को डिफाइन करेगा या विजुलाइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ द ग्रोथ जैसे कि हमने यहाँ पे ये ग्रोथ फंक्शन देखा था तो ये ग्रोथ बता रहा है कि एक्चुअली वर्स कंडीशन में इसकी ग्रोथ क्या होगी तो इसी तरह से जुड़े हैं तो इसी तरह जुड़े रहेंगे तो अगर आप नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो फिर हम वजी डेटा स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंट टाइप्स को उसकी डेफिनेशन को इंक्लूडिंग सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते रहेंगे सी यू देयर इन द नेक्स्ट सेशन